और कुंडली जागर दीक्षा दो दीक्षाओं को एक साथ प्राप्त करने का दुर्लभ सौभाग्य नवीन कुमार एनटीपीसी कहलगांव भागलपुर बिहार अप्सरा दीक्षा और कुंडली जागर दीक्षा श्री नवीन कुमार दोनों आपको पूरी तरह प्रार्थिक और सब कुछ गुरुदेव जी के नेत्र पंखों में बिना फर्क रखाए आप ताकेंगे शरीर ढीला छोड़ गए भाई नवीन कुमार और अब हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थान से यह ऋषि पुत्र नरेंद्र निखिल ज्ञान दीक्षा पानीपत से राम प्रकाश रावत दो दीक्षाओं के साथ प्राप्त करने का सौभाग्य कुंडली जागरण दीक्षा और शांभवी दीक्षा कुंडली जागरण दीक्षा और शांभवी दीक्षा भाई राम प्रकाश रावत पानीपत राम प्रकाश रावत के बाद सम्मोह दीक्षा गुलाब चंद्र सैन समूह दीक्षा गुलाब चंद्र सैनी सरस्वती दीक्षा दिव्यांशु चौबे यह ऋषि पुत्र सामने खड़ा है दिव्यांशु चौबे सामान्य सरस्वती दीक्षा सौराष्ट्र गुजरात से राम भाई सौंदर्य यक्षिणी दीक्षा सौराष्ट्र गुजरात से राम भाई सौंदर्य यक्षिणी दीक्षा गुरु हृदय धारण दीक्षा श्री भरोसे लाल गुरु हृदय धारण दीक्षा श्री भरोसे लाल भूतकाल को जानने के लिए जो दीक्षा दी जाती है ज्योतिष में सफलता के लिए कर्ण प्रसादी दीक्षा श्री मदन कुमार कर्ण प्रसादी दीक्षा श्री मदन कुमार शक्तिपात से कुंडली जागरण दीक्षा जगदीश प्रसाद शक्तिपात से कुंडली जागरण दीक्षा जगदीश प्रसाद आप लोग इसी तरह है शांति बना रखे और इन दिव्य क्षणों का लाभ उठावे पत्रिका सदस्यता के आधार पर अब बहुत कुछ बात गुरुदेव के चरणों प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमती कौशल रानी समान लक्ष्मी दीक्षा और एकल दीक्षा जो भी परम पूज्य गुरुदेव चाहे और जिन्होंने कल भी एक दीक्षा प्राप्त की थी विशेष दीक्षा आज पुनः एक अन्य विशेष दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं भैया अच्छे लाल यादव गुरु हृदय धारण दीक्षा गुरु हृदय धारण दीक्षा अच्छे लाल यादव
यह नन्हा बालक सजल पूज्य गुरुदेव के चरण में है, चरणों में है, सरस्वती दीक्षा की प्रार्थना के साथ सजल। और अब जालंधर से कुमारी जालंधर से पिछले विशेष दीक्षा जो भी गुरुदेव चाहे, जालंधर से विश्लेष जो भी विशेष दीक्षा जो भी पूज्य गुरुदेव चाहे सिद्धार्थ ज्ञान दो दीक्षाओं के साथ विद्या दीक्षा और सत्यपाल मंडली जागरण दीक्षा श्री शिव शंकर दो दीक्षाओं के साथ प्राप्त करने का दुर्गम सौभाग्य, एक विद्या दीक्षा और दूसरी सत्यपाल से मंडली जागरण दीक्षा। फोटो खींचो देखो, फोटो खींचो देख के थल्ले दो के नाम की थल्ले दो के दोनों के पत्रकार के आजीवन हम कातल धनी सेल के लोगों को भाग के लिए काम करने करेंगे। गगन जी गणपति 108 दीक्षाओं के क्रम में एक और विशेष दीक्षा भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के द्वारा। रायपुर जिले के कंदोल थाना के थाना प्रभारी के बी द्विवेदी 108 दीक्षाओं के क्रम में एक और दीक्षा। डेहरी ऑन सोन के भाई चटर्जी और अशोक कुमार सरावगी तुरंत यहाँ पर आ जाए। भाई बनर्जी भाई रणजीत बनर्जी और अशोक कुमार सरावगी तहरी ऑन सोन बिहार से 108 दीक्षाओं के क्रम में ही एक और विशेष दीक्षा प्राप्त करने का दुर्लभ सौभाग्य हम करतल धनी से दिल का अभिनंदन करेंगे। इन 108 दीक्षाओं के प्राप्त करने का भी एक साधना में प्रवृत्त हो पाएंगे तभी तुम सफलता पा सकोगे। और वास्तव में उससे पहले मैं साल भर तक साधना करता रहा था तो मुझे कोई सफलता नहीं मिली थी। इतनी आसान सफलताएं किसी को भी नहीं मिलती। और बाद में ब्रह्मांड में प्रयोग संबंध करवाया और उसके बाद सफलताएं मिलती गई। दूसरी बात, आप लोग मुझसे ज्यादा होशियार हो गए, ये अब मुझे गारंटी हो गई, विश्वास हो गया। आप तक तो विश्वास बड़ा डावाडोल था। आप इसलिए होशियार हो गए हैं कि संसार में दो शब्द हैं, एक ब्रह्म है एक माया शब्द है। माया का मतलब है आदमी को भ्रमित कर देना, भाई मैं असफल हो गया, मुझे कुछ मिला नहीं, हुआ नहीं, मैं भी ऐसा हुआ, ये माया है। और जब इसे परे हट करके जब आदमी देखता है तो उस ब्रह्म के साक्षात करके पसंद कर लेता है। तो मैं आपके ऊपर माया बराबर फेंकता रहता हूँ, बराबर कहता रहता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बन सकता, मुझे क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है,
मैंने ऐसा किया, सफलता देखी, ये हुआ ये हुआ, मगर अब आप प्रभु तो बंद हो गए, अब आप सब लोग सुबह में ये सब गड़बड़ है, समझ रहे हैं बात को, आप क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं। और यह स्थिति अपने आप में शुद्धता की है, पवित्रता की है, मैं आपको चाहे कितने ही भ्रमाऊं, अब तुम भरमाने वाले नहीं हो, मतलब अब ऐसा हो नहीं रहा है, पहले एकदम से भ्रम में आ जाते थे, कहता हूँ ऐसा भाई नहीं हो सकता, मैं खुद ही 5 साल तक साधना की थी, गुरु जी नहीं कोई बात नहीं, आप सोचो गुरु जी आप कितनी माया डालते रहो, हमारे पास पढ़ने वाले अब नहीं पढ़ेगा, अब हार तो अपने मेहनत करो, कुछ क्या फायदा होगा। तीसरी बात, जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां पर आज मिलने के लिए आते हैं तो उन लोगों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि आप कुछ उनके ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं, सुबह 5-6 लोग उनके नीचे ड्राइंग रूम में घुस के बैठ गए, बैठ गए तो उन्होंने कोका कोला लाके पिलाना शुरू कर दिया, पिलाने तक आप पीना शुरू कर दिया, फिर आपको 5 कोका कोला मिला तो सोचा ये पी रहे सर हम बाहर क्यों बैठे हैं, बाकी घुस गए वो भी, अब मेरे ऊपर ठहरा हुआ नीचे ड्राइंग रूम में 20 लोग बैठे हुए कोका कोला पी रहे बैठ रहे, उन्होंने मुझे पूछा आप नीचे बैठे हुए नीचे क्या करें कि कोका कोला पी रहे, अब मैं उनको भी क्या जवाब देता और अपने आप को भी क्या जवाब देता, भाई इन्हें कोका कोला पीना रह नहीं सकते, ये तो जिंदगी में पानी कम पीते हैं, कोका कोला ज्यादा पीते हैं, क्योंकि बाकी तुम नहीं होते कोका कोला पीता भी कैसे, कम से कम तो फैल हो जाते, इसलिए आप मिलने का यही सिस्टम रख दिया है, एक बात ये वहां पर मिलने के लिए आप नहीं आए, अपनी समस्याओं को बताए और समस्याओं के समाधान के लिए आप मिले वृंदावन शिष्टता के साथ, बड़े दर्शन मिले और वहां पर उस टेंट की उपयोगिता, और किसी के घर में बैठ करके हम सात्विक साधन हैं, क्यों किसी का वो दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दानशीलता है, मगर हम क्यों पिए, हम तो अपने खुद के उपाधि धन से कोका कोला पीना होते पी लेंगे, हम भी तो अपने आप में सात्विक रहे, उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं, उन्होंने मैंने अपनी तरफ से जोड़ा, मैं आपको रोटी खिलाऊं तो आप क्यों खाएं, आप में खुद में उपाधि क्षमता होनी चाहिए, ये मेरे कहने का भाव है, यानी जब मैं आपको कर्मठ क्षमतावान बना रहा हूं तो आप यहीं पर छोटे गुरु जी बैठे होंगे, यहाँ पर आप वृंदावन मिले, अपने शिष्य मिले, अपनी शिष्या बताएं, उनका समाधान होगा, और उसके बाद भी आप लोगों से एक दिन में कल रखूंगा, जो कोई विशेष विषय होगी आपकी तो मैं खुद भी आपसे मिलूंगा, और आप लोग तो ये है कि ये जितने मुझे प्रयोग जितना कुछ कहना है, क्योंकि उसके बाद तो वापिस नवरात्रि या नवरात्रि क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, कब क्या होगा, फिलहाल तो आज की कल की परसों की बात करें, गुरु और शिष्य की बात करें, आप और मेरे बीच की बात करें, मैं हो सकता है कल दुनिया के लिए दुबका लेकर चला जाऊँ, आप टापते रह जाए कुछ कह नहीं सकता, मगर मिले और मन में सुनिश्चय मिल करें, इसलिए नहीं कि ये कोई मेरा लड़का है कि आप मेरे कोई दुश्मन है, आप मेरे लड़के हैं कि आप दुश्मन है, कुछ नहीं है, मेरा तो कहीं से कोई संबंध न था ना आज है, ये मैं सबसे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, होता तो 4 महीने की शादी में जैसे मेहंदी सूखी नहीं, अब मेहंदी कीड़ी थी, मैं उनके मेरे से बन गया, कौन पूछ जाएगा, कौन पति जाएगा, कैसे होगा ऐसा, अगर मोह होता तो फिर तो मैं मतलब घर में बैठा रहता, वो तकलीफ तो थी नहीं, और नौकरी में कर रहा था और पंडित तो था ही, कहीं निर्माण किया ज्यादा काम करके मैं रोटी खा लेता था, मोह उस समय में नहीं था, कर्तव्य अलग था, चाहे पत्नी के पति हो न पुत्र के पति, मोह नहीं है, है पुत्र मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, शिष्य है तो मैं कब कह रहा हूँ आप शिष्य नहीं है, आप पाँव पाल में कब कह रहा हूँ आप पाँव बदलाइए, आप मुझे तुम बैंड करें मैं आपको कब मना करूँ बैंड भी करें, कोई आके के अंगूठी पहना देता है, कोई आके ये हाथ पकड़ देता है तो पहन लेता हूँ, मैं मना नहीं करता, क्योंकि मुझे ये याद रहता है कि आपने मुझे क्या दिया, मुझे कर्जा कितना उतार, मैं बिल्कुल भगवान साक्षी है और मैं बिल्कुल सुधा के साथ बोलता हूँ, गणित बिल्कुल साफ साफ मेरे माइंड में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं आप मुझे दें, जैसे मुझे तो इसलिए राज्य पति नहीं है, क्या इनको आप संतुष्ट करें, कोई बात हो उनको कन्विंस करें, समझाएगा
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।